आपने ये वीडियो हमारे स्क्रीन पर देखी। इस वीडियो से आपको क्या लगता है, क्या मायने है इस वीडियो के? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ये वीडियो, और करना भी जरूरी है क्योंकि राजनीति में ऐसे संस्कार नहीं देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर चुनाव है। चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हैं और एक तरफ यहाँ शिवपाल यादव को लेकर भाजपा और दूसरी तरफ यहाँ तमाम पार्टियां ये सोच रही थी कि समाजवादी पार्टी यादव परिवार बिखर चुका है, अपर्णा यादव भाजपा में शामिल है, शिवपाल यादव नाराज थे भतीजे से। लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में अखिलेश यादव ने अपने चाचा के पैर छुए, इस वीडियो को देखकर तमाम विपक्ष की बोलती बंद हो गई। एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए जिसमें शिवपाल यादव ने यहाँ समाजवादी पार्टी की सारी रणनीतियों को लेकर बात की है, देखिए हमारा ये वीडियो। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत और से बड़ी कराना है। बताओ बताओ कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर रहमत तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ, झूठ नहीं, आज ही से काम करना है, आज ही से काम करना है। वोट नहीं कह करके आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिंपल हम लोगों की बहू है तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। और फिर बातें और बाद में होंगी, अभी तो जनसभाएं भी होंगी बड़ी बड़ी, उसमें बातें और होंगी। जय हिंद। आपने हमारा ये वीडियो देखा, वीडियो देखकर और शुरुआती में जो वीडियो चला था उसको देखकर आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या मैनपुरी सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी का दबदबा आपको देखने को मिलेगा या नहीं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।